दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। का सीन कुछ ऐसा है कि आज से मेरा डे ड्यूटी स्टार्ट हो गया है, तो रेडी हो चुके हैं। 7:30 बजने वाला है और जो भी सामान था वो ले लिया है यहाँ पे। और ये कपड़ा धोने के लिए है जो कि कपड़ा साफ हो, और इसमें लंच है, इसके बाद कुछ पानी का बोतल है और मेरा ग्लास है जो कि धूप अगर ज़्यादा रहता है तो हम यूज़ करते हैं। और तो फिर हम निकलते हैं, देखते हैं और आते हैं ड्यूटी से, इसके बाद फिर आगे का क्या होता है। तो अभी हम क्या ही बोले आपको, अभी ड्यूटी से आए हैं और टाइम हो रहा है 4:30 के करीब। और क्या बोले, मतलब अभी स्नान करना है क्योंकि 2 दिन से स्नान नहीं कर रहे हैं। सोच रहे ठंडा है, ठंडा है, और आज 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 जो है सो सबसे ज़्यादा ठंडा है, बट 2 दिन से स्नान नहीं कर रहे हैं तो आज करना ही है, ठीक है। बाकी बाहर का मौसम, मतलब आपको धूप इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मौसम एकदम ही, मतलब आज दिन भर जो है सो धूप नहीं निकला है और मौसम बहुत ही ठंडा है, 2 दिन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो क्या करें, लास्ट ऑप्शन है कि स्नान करना ही होगा, तो फिर स्नान करते हैं और मिलते हैं आगे। हालत तो मेरा खराब होने वाला है। दोस्तों फाइनली स्नान तो हो गया है और अब उतना ठंडा भी नहीं लग रहा है, बस स्नान करते जाते टाइम थोड़ा ठंडा जावा लगता रहता है। अब कोई नहीं, अब तैयार होते हैं, नाश्ता करेंगे, देखेंगे, और फिर जिम के लिए जाना है। 4-5 दिन से नहीं जा रहे हैं, आज तो जाना ही है। बेड भी पूरा देख रहे हैं किस तरह से हो गया है, इसको ठीक करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी अभी टाइम भी नहीं है। जितना सवेरे चल जाएंगे उतना सवेरे आ जाएंगे रूम पे तो अच्छा रहेगा। और 5 बजने वाला है नाश्ता में सॉरी नाश्ता में थोड़ा सा दूध है, मतलब चाय पी सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं तो छोड़ देते हैं। वैसे भी भूख अभी नहीं लगा है उतना, तो अभी जिम से आते हैं फिर जो है सो खाएंगे। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब कुछ नाश्ता करके ही आ जाना ही ठीक रहेगा। तो एग है यहाँ पे, ठीक है, एग बॉयल कर लेते हैं, कुकर भी धोया ही हुआ है तो एक बॉयल कर लेते हैं 2 एग और वो खा लेंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे, वो ठीक रहेगा। चढ़ा दी और तब तक हम कुछ कर लेते हैं। कुछ क्या करना है, ये बैग ठीक करना है, ये बैग हम नाइट ड्यूटी में यूज कर रहे थे तो इसीलिए इसमें अभी कुछ सामान है नहीं, अभी जिम जाना है तो इसमें और सामान सब दूसरा देना होगा। जैसे ये हमारा शू है, इसमें ये इसमें आ जाएगा पानी का बोतल और तो कोई कपड़ा तो है ही, कट नहीं है, रूम ठीक कर ही लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है, बॉयल होगा तभी तो खाएंगे, उससे पहले ये ठीक कर लेते हैं। एक सीटी मार दिया तो इसको गैस थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं तो तुरंत तुरंत कर देगा। तो ये हमारा मुझे ऐसा तैयार हो गया ब्रेकफास्ट सॉरी स्नैक्स। तो ये हमारा गर्म पानी है, थोड़ा इसमें है ही सुनने। डर गए क्या? तू डर गया, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन लेकर आ गया? रास्ता में आर्ट किया है, कौन किया है? यहाँ तक लिखा था वो आगे भी लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट लेके ये पुष्पराज का कमाल है। किसका कमाल है? पुष्पराज का कमाल। कौन है पुष्पराज? झुकेगा नहीं, झुक झुक के पूरा लिखा है, बोला झुकेगा नहीं। क्या चीज से लिखा है पूरा? क्या चीज से लिखा है? हैप्पी न्यू ईयर 2022 आज लिख रहा है। ओ सीमेंट वाला सा ना, वाह चलो ठीक है, आज और ज्यादा ही लेट हो जाएगा लग रहा है। ए काहे लिख रहा है? कुछ नहीं बोल रहे तो समझ नहीं आ रहा है, उठा के पटकेंगे ठीक हो जाएगा। कॉपी कलम लेके लिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमको आता है। क्या है? इंटरेस्टेड कैमरा है, कैमरा कैमरा क्या? हाँ। रोज लेके घूमना पड़ता है क्या? क्या करे, काम ही यही। ये 2-2 10 10 रुपया मटर का। कैसे खाना है ये? साग के जैसा, साग के जैसा। आप तो उधर जाइए, सब्जी लेके जाइए। सब्जी लेके
हम देंगे। तो अभी जो है सो जो भी सब्जी लेना था वो सारा कुछ हो गया है और उनको भेज दिए हैं और रूम में चला गया है। अभी हमको अब निकलना है तो जा रहे हैं। कल का दिन मान कल मेरा टेस्ट नहीं तो मारे क्या बाकी है भाई से फ्रेश और कोल्ड तो कल बच्चे बनाएंगे ठीक है भाई साहब। लेग मार के हालत खराब हो जाता है। ठीक से उतर भी नहीं सकते। दोस्तों फाइनली हम जो है सो आ गए हैं रूम में और अभी टाइम हो रहा है 19:26 मतलब कि 7:30 बजने वाला है। और अभी जो है सो हम 6 बजे लगभग गए पहुंचे थे जिम और 7:30 बजे तक आ गए। लेग मारे हैं तो हालत खराब हो गया है और अभी तो फिलहाल गर्मी लग रहा है। जितना भी बॉडी पार्ट है चेस्ट है बाइसेप है ट्राइसेप है और मतलब जितना भी है उन सभी में सबसे हार्ड जो है वो है लेग डे। लेग जिस दिन लेग मारते हैं ना उस दिन हालत खराब हो जाता है सबसे ज्यादा कठिन है। इसीलिए ज्यादातर आदमी जो है लेग डे इग्नोर करता है बट इम्पोर्टेंट है तो मारना पड़ता है बस। और अभी तक खाना बनाने के लिए नहीं आई है दादी पता नहीं क्यों नहीं आई। सारा सामान सब यहीं पे रखा हुआ है तो कॉल करते हैं देखते हैं क्यों नहीं आई है। खुद से बनाना पड़ेगा क्या? हेलो हाँ अरे वो खाना नहीं बनाएगी मतलब उनका नाती का बोलता तबीयत खराब हो गया आए हमारे पास और पैसा दीजिए हमको जाना है डॉक्टर पास। पैसा मैं बच रहा था नहीं तो 5 रुपया हम दिए। खांसी बुखार क्या है तो बोला आप लोग जो है बना के खा ठीक है तो आइए बनाते हैं कुछ आइए 5 मिनट में हम भी सब पानी वानी पीते हैं आइए। हाँ खाना बनाना है फिलहाल फ्रेश होता है बराबर बनाइए। तो अभी बनाना है ब्रोकली का भुजिया और रोटी। वैसे सब बिल्कुल नहीं है कि हमको खाना बनाना नहीं आता है। खाना बनाना आता है लेकिन ये बनाते नहीं है खुद से वो अलग बात है। ये भी लेकिन सी जगह ये भी थोड़ा धा दे देता है दीजिए ना वो तो साफ नहीं देती है दे दीजिए दस हम लोग तो खाते हैं उसको लगता है डंटी देने का मतलब डंटी इतना बड़ा है तो... नहीं नहीं उनको उनको लगता है कि हम लोग थोड़ा पैसा वाला है ये वो पता नहीं समझ में आता है। हम लोग भी यही खाते हैं क्या अच्छा लगता है तो आइडिया भी नहीं मिल रहा है रोटी बने हो जाएगा बात ना वो देखिए ना नहीं थोड़ा वो कुछ हमारा रोटी पतला छोटा छोटा बनेगा। हाँ इसलिए छोड़ दीजिए तो छोटा छोटा तो ज़्यादा बनाना होगा ना हो जाएगा पैर दुखा गया। अरे यार इसे बैठने में हमको पैर दुखा गया बैठते नहीं इसे वैसे अभी ये पैर वाला एक्सरसाइज करते हैं ना ज़्यादा कर रहा है अकेले बनाने में नहीं अच्छा लगता है। आप तो रोटी जल्दी बना दिया हमको काटने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या बोला अपने इससे खाना बना के खा ही सकते हैं आराम से लेकिन समस्या यही होता है कि रोटी लेकर जब रात में आते हैं तब नहीं बनाने मन करता है। बाकी प्यारी प्यारी रोटी बन रही है आप दिख रहे हैं नहीं शायद आप दिख रहे हैं। अरे कैसा कैसा है रोटी बन रहा है प्यारी प्यारी मगर थोड़ी मोटी भी है यही होता है अपना कलर आना चाहिए आदमी को भला कभी भूखे नहीं मरेगा। देव कहीं जानते हैं बनाने को चिंता है कोई चिंता नहीं कोई बात नहीं नहीं आया बनाने नहीं आया रूम में सिर्फ आइटम होना चाहिए एक से एक आइटम बना सकते हैं। अच्छा बताऊँ सेफ घिरे हुए हम लोग कभी रेगुलर बन जाते हैं कभी स्टूडेंट कभी एम्प्लॉय कभी सब कुछ बन जाते हैं ना कभी कस्टमर जाते कभी यूट्यूबर हमारे अलग अलग प्रकार की रोटी कहेगा कौन है इतना रोटी बनाने वाला आदमी है जी। और इस तरह से नहीं वैसे भी हम लोग कुछ दिन तो बनाना चाहिए हम लोग आप तो बनाते ही हम नहीं बनाते
देखिए और यहाँ देखिए फूल गया है रोटी। देखो नोबेल प्राइज मिलना होगा, जरूर उनको मिल जाएगा। रोटी पकाने में भुजिया बनाना स्टार्ट कर दी। यहाँ पे सब कुछ काट के रख दिए हैं और ये जलना स्टार्ट हो गया है। इधर रोटी बन रहा है, रोटी बन गया जो है वो बचा है इधर। ये हम लोग जो है साथ में ही पहले जब हम लोग ज्वाइनिंग किए थे और यहाँ पे नया नया आए थे, तो क्योंकि ये मतलब वेजिटेरियन हैं ऑब्वियसली, तो इनके लिए खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ। इधर तो कोई भी होटल है तो उसमें मीट मछली बनेगा ही, मतलब तो ऐसा सीन था। इसीलिए हम लोग जिस दिन ज्वाइनिंग किए थे उसका अगला दिन मतलब उसी दिन शाम को लेकर आ गए थे सारा सामान, 4-5 हज़ार का मार्केटिंग करके गैस चूल्हा सिलेंडर सब कुछ ले गए। और फिर हम दोनों जो है साथ में ही खाना बना रहे थे। एक साल लगभग बनाए थे ना, एक साल लगभग जो है खाना साथ में बनाए हैं। कोरोना आ गया सब अलग कर दिया। हाँ कोरोना आ गया तब तक रूम भी मिल गया हम लोगों को, तो फिर अलग अलग बना रहे हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे थे तो हमको रोटी उतना अच्छा से बनाना नहीं आता है और इनको मतलब इनको सब्जी अच्छा से नहीं आता है। हमको सब्जी अच्छा से आता है, बनाने में मज़ा ही आता है। तो जो भी है सब्जी क्या बोलिया तो वो हम बनाते हैं, रोटी इनका काम। अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज है पहले से ही, जहाँ भी रहना चाहिए रोटी बनाए। सर तब तक दूध गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं, दूध भी गर्म हो जाएगा। ये सब पे ध्यान नहीं है ना? नहीं है। अरे यार आदमी पढ़ रहा है, मतलब पढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, कमा ले तुम कमा तो कोई बहुत ज्यादा हिलर नहीं होगा, ठीक है? तो मतलब ये बात अगर मैं मतलब जिसको नौकरी नहीं होता है ना, उसका गार्जियन चाहता है कि कब उसका नौकरी हो जाए, मेरा टेंशन कम हो, मतलब कमाने जाए कमाने लगे कोई वैल्यू नहीं, नौकरी हो गया वही बात है सबका। अगर मान लीजिए कि बच्चा इतना दिन सुना है तो तुम बच्चा का भी सुनो ना यार, उसको उसको क्या जरूरत है। खाना पीना खाया हो गया बस, हेलो इतना पूछने से क्या हो। खैर ठीक है, और सब खाना लगभग रेडी है और खाना बनने के बाद खाना खाएंगे और फिर कुछ नहीं। आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बस यही समझिए कि दादी का कुछ इमरजेंसी हो गया, उनका किसी का तबीयत खराब हो गया, इसके कारण वो बोले कि उनको दिखाने के लिए हमको हॉस्पिटल जाना है, तो आज हम खाना नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग बोले चलो ठीक है साथ में बना लेते हैं, तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है। खाना खा के अब रेस्ट ही करना है और पता नहीं मॉर्निंग में भी खुद से बनाना है या फिर पता नहीं आएगी दादी कि नहीं आएगी खाना बनाने के लिए। अगर नहीं आती है तो चूंकि कल मेरा ड्यूटी है हम लोगों का, तो फिर साथ में सुबह में ही बनाना होगा। वैसे तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम सब 7:30 के आसपास उठते हैं, 7:30 से ड्यूटी रहा, तो इसके लिए हमको सवेरे उठना होगा, 6 बजे के आसपास या उससे पहले उठना होगा। तो खैर देखते हैं क्या होता है, एक ब्लॉग में देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कैसा बना है, बोल रहे हैं सीझा नहीं आलू? ठीक है, मिला जुला के ठीक है ना। और स्वाद कैसा है, नमक उमक सब बढ़िया? ये ब्रोकली है ठीक है, तो मजा लेते हैं फिर।